डिलीवरी ले लें वरना देखे इसकी फाइनली टाइम आ चुका है ले लेते हैं कार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। इतने सारी फसलों के बाद भाई एक फाइनली हम व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। आज का सीन भाई बहुत ही बढ़िया है। फिलहाल मैं आ रखा हूँ पंचकूला। कल हमारे इधर भाई इतनी बारिश थी ना, मतलब माड़े हाल थे, ओले तक पड़े और सीसू में स्नोफॉल भी हो चुकी है। आई स्वेयर अगर मेरे साथ कोई होता ना जाने वाला मैं निकल जाता, बट अकेले यार उस माहौल में जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कहीं फंस फूस गए तो समझ रहे हो ना, कुछ चाहिए ही होता है बंदे रिकवरी वगैरह के लिए, और एक बंदा होता तो साथ सा मिल जाता है। बट एनीवे देखते हैं, जब प्लान बना तब उधर भी निकल जाएंगे। बट जो आज का सीन है भाई बहुत ही अल्टीमेट सीन है, एक जिसे कहते हैं ना ड्रीम कार। अभी तक आपको थंबनेल टाइटल से ऐसे पता चल गया होगा क्या सीन है क्या नहीं। तो जी हाँ, आज हम जा रहे हैं अपनी ड्रीम कार की तरफ। अभी अभी भाइयों का कॉल आया कि भाई ऐसा ऐसा सीन है। उन्हें मतलब पहले ना मैंने बातों बातों बता रखा है कि भाई कभी ना कभी फ्यूचर में भाई सुपर कार लेनी है, पोर्शे लैम्बोर्गिनी तो ज्यादा ही हाई हो जाती है, वही है ना, सपने अपने औकात के अनुसार देखनी चाहिए। तो वही बात हुई थी पोर्शे, और बाय चांस उनके साथ पोर्शे ही आ रखी है। बहुत ही क्रेजी वीडियो रहने वाली है। आज हो रखे 23 डिग्री, कल था 10-11 कुछ। भाई कल जो ओले बड़े ना, लग रहा था कार निकालूंगा तो विंडशील्ड टूट जाएगी। खतरनाक ही मौसम था, बहुत ही ज्यादा ओवरकास्ट, तभी तो ऊपर स्नोफॉल होगी। बट ठीक है, बार बार ना याद नहीं करते स्नोफॉल को, मन कर जाता जाने का। वेलकम टू पंजाब गाइस। उस इंसिडेंट के बाद पहली बार मैं पंजाब में एंटर कर चुका हूँ। बट पता क्या है, जहाँ पे मैं रहता हूँ हरियाणा पंजाब जुड़ा हुआ है, हिमाचल हल्की सी आगे आ जाता है, तो एक तो जगह भी तो हमारी बड़ी यूनिक सी है रहने वाली। बट हाँ, कहीं ना कहीं अब ना वो एक होती है ना हिचकिचाहट सी, जो भी उसे बोलते हैं, मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो तो आएगी भाई जब भी पंजाब में घूमेंगे ना, ये रहेगा। बट ठीक है, जो भी आपकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, मैं तो ये कहता हूँ भाई उन सब चीजों से सीखो। एंड एक तरीके से ना जिगरा खुला ही है, मतलब कि जब आप कुछ गलत नहीं करते फिर भी आपके साथ इतना बुरा होता है ना, फिर आपका जिगरा खुल ही जाता है। बट स्टिल आई होप ऐसा कुछ हो भी ना मेरे साथ या किसी के साथ भी ना हो यार। बट एनीवे पॉजिटिव रहते हैं। पैनामेरा, जी हाँ पोर्शे पैनामेरा हमारी वेट कर रही है। उड़ते उड़ते उसकी तरफ चलते हैं और कार को एक्सपीरियंस करते हैं, फिर फ्यूचर में उसे लेके कहानी एंड करते हैं। आई मीन मैनिफेस्टेशन इज मैंडेटरी यार। चलो भाई पहुंच चुके हैं मनन भाई के पास। मनन भाई क्या हाल है, कैसे हो? आप बताओ क्या हाल है? बहुत बढ़िया, आज मैं कुछ स्पेशल चीज की चाबी लेने आया हूँ। वैसे अमित भाई क्या हाल है, कैसा चल रहा है काम धाम? बढ़िया मनन भाई, वरना रखो आप, ठीक है? और जो मैंने कहा था ना, जो हमारी बात हुई थी, हाँ बस थैंक यू भाई। ये है वो चीज जिसकी मैं बात कर रहा था, ये है पोर्शे की चाबी। और आपको भी पता है भाई हमारी एज में एक होती है ना ड्रीम कार, मतलब बंदे मेरी तरह मतलब बहुत होते होंगे जो मैनिफेस्ट करते हैं। ये खड़ी है भाई कार, ये है उसकी चाबी, ये है पोर्शे पैनामेरा V6 डीजल। और मॉडल मेरे ख्याल से ये 2012-13 ही है ना, 14 मतलब 2011 में V6 डीजल पोर्शे ने लॉन्च करी, 2017 में डिस्कंटिन्यू हो गई थी। और कार की यार एक बार आप लुक देख लो, बहुत ही खतरनाक। इसमें ना आपको 300 BHP के करीब पावर मिल जाती है, मतलब लाजवाब भाई, जो इसे भगाने में मजा आता है ना, बहुत ही खतरनाक। वैसे इसमें काम क्या हुआ है? इसमें काम हमने इसमें सेरामिक कोटिंग करी है। हाँ, ये अभी किसी ने सेकंड हैंड परचेज करी है। अच्छा, ये बिक चुकी है? यार तू मुझे कह रहा था बिकने के लिए, मैं तो आया इसलिए था कि अगर डील पसंद होगी तो हम भी खरीद सकते हैं। लिक्विड था हमारी तरफ से। और इसकी प्राइसिंग वगैरह क्या है? 60 के अराउंड बिकी तो 55। बट वो ही है डीजल पोर्शे कम लेते हैं लोग आज के टाइम में, दिल्ली NCR में तो बिल्कुल ही नहीं। इंटीरियर आप चेक करोगे भाई, अभी तो मैं पूरी कार आप सबको दिखाता हूँ। सबसे पहले टायर साइज की बात करें ना, 255 R18। डिस्क ब्रेक देखो यार कितनी बड़ी है, और इधर भी है पीछे भी है डिस्क ब्रेक। कंडीशन भी दिखा दो, देखो डेड कंडीशन गाड़ी की है, डेंट पड़ रखे हैं, स्टोन चिपे। अबे जो ओनर ने लिया वो क्या समझेगा। एक बार मैं आपको ना इसकी बूट ओपन करके भी दिखा देता हूँ। बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छी। वाओ पावर टेलगेट, बूट स्पेस भी अच्छा खासा है भाई इसमें। एंड इंजन ना इसमें आगे आपको मिलता है, बाकी तो पावर टेलगेट एक बार हम बंद कर देते हैं। काम तो कर रही है चीजें, और पीछे से कुछ ऐसी लुक है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें ना, अराउंड 140 mm की ना इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। बट कार की लुक भाई खतरनाक। ये देखो भाई कहाँ तक आ रही है, देख रहे हो? मतलब बॉक्सर जो होती है ना बहुत फेमस हो रही है आजकल यूट्यूब पे, वो तो और नीचे है, बट ये देखो कहाँ तक आ रही है भाई। एंड उसी के साथ साथ इधर देखो भाई डीजल भी लिखा है, बट वही बात है कंडीशन तो ऐसी ही है। और हाँ ऐसी कुछ है इसकी की, और ये देख लो भाई प्लेटिनम एडिशन है ये। इधर आपको सीट एडजस्टमेंट मतलब की इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट मिल जाती है, और वो यार पुरानी है तो ज्यादा हम जज नहीं कर सकते कंडीशन वगैरह के लिए। सारे पार्ट्स वर्किंग है। अच्छा, सॉफ्ट क्लोज डोर्स है सारे वर्किंग। हाँ सॉफ्ट क्लोज डोर, एक बार भाई मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे चलते हैं। ये देखो ऐसे करा, ये देखो हो गया ना बंद। और इसकी जो चाबी है ना ऐसी घुसती है। एग्जॉस्ट नहीं है इसमें? एग्जॉस्ट का यार बटन है इसमें। हाँ ये रहा, अभी ऑन ही है, बट ऑन है, आवाज नहीं है, स्पोर्ट्स मोड। हाँ हाँ रुकियो एक बार मैं रेफ करता हूँ। आवाज तो आपने सुनी ली, बट अब मैंने ना डोर भी बंद कर दिया। NVH लेवल भाई
ठीक है, और इसमें ना आपको सनरूफ भी मिल जाती है। खुल जा भाई, ऐसे खुलती नहीं क्या? अच्छा हमारी वरना वगैरह की तरह नहीं है भाई, ये जो शेड्स खुल जाए ये ऐसे ही खुलते हैं क्या? सनरूफ नहीं खुलती है इसकी भाई, खराब ही है, जाम हो रखी है फिर तो। बाकी स्टीयरिंग व्हील की बात करें यार, नाइस फील, मतलब की जो फिट एंड फिनिश है ना वो तो ऑब्वियस है, पोर्शे है ये। इधर ना आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं स्टीयरिंग वगैरह के, इधर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, इंडिकेटर का कंट्रोल, इधर आपको हेडलाइट के कंट्रोल मिल जाते हैं ऑटोमेटिक, इसमें आपको हेडलाइट मिल जाती है। बट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लो भाई, ऐसा कुछ है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लाख प्लस चल रखी है मैंने नहीं ये। खुल गई सनरूफ, सही है भाई, छोटी सी सनरूफ है, वेंटेज नहीं, चल बंदी कर दे छोड़ ना, मैं कह रहा हूँ लाख प्लस बंदे चला देते हैं यार, चल रखी है भाई। बता यार, इसमें मतलब टेम्परिंग भी नहीं हो रखी। इधर आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है, इसमें आपको कोई कार प्ले एंड्रॉइड ऑटो वगैरह नहीं मिलता। एंड इसी के साथ साथ इसका गियर लीवर देख लो भाई, इसे ना ऐसे प्रेस करना होता है तब ये मतलब कि अब ये डी पे लगी, आर पे करते हैं। रिवर्स कैमरा है भाई इसमें, ऐसी कुछ है इसकी क्वालिटी। इसमें एयर सस्पेंशन भी तो है भाई, एयर सस्पेंशन है इसमें। तो एयर सस्पेंशन से ना इसकी ग्राउंड क्लियरेंस अराउंड 190 mm तक की हो जाती है। और ये वाला बटन मेरे ख्याल से सनशेड्स का है ना? नहीं नहीं, वो देख उठ गया, वो देख सनशेड, देख रहे हैं कैसा सनशेड है। एक ना मैंने पैनामेरा की ना ड्राइविंग वीडियो भी डाल रखी है भाई, अब वो देखना, अब ये ऑब्वियसली बात है हमारी तो है नहीं, तो हम इसे ऑब्वियसली बात है चला नहीं सकते। एंड इसका ग्लव बॉक्स देखो भाई, एलकंटारा ट्रीटमेंट, मतलब काइंड ऑफ वो मिल जाता है आपको। वो ये यार प्रीमियम तो कार बहुत ज्यादा है, 55 लाख में क्या लगता है तेरे को? ठीक है 2014 मॉडल भाई, ठीक ही है वैसे, बट 1 लाख चल भी चुकी है। बट कमेंट सेक्शन में ना आप लोग बताना, मतलब कि थोड़े टाइम पहले भी ना मैंने एक वीडियो डाली थी, नेक्स्ट ईयर कुछ ना कुछ तो आने वाला है तड़कता फड़कता। अब मैं देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, और कोई ऐसी वीडियोस नहीं आएंगी, ये तो आज भाई रैंडमली इनके पास खड़ी थी तो मैंने सोचा कवर कर देता हूँ, क्योंकि यूनिक कंटेंट भी डालना चाहिए, एक होता है ना थोड़ा अमीरों वाला कंटेंट भी डालना चाहिए, इसलिए मैं सोचा कि भाई इसकी वीडियो डालते हैं। बट आप बताना भाई, पहले सेगमेंट जैसे मैं वरना पे हूँ, वरना से मुझे मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू पे जाना चाहिए या फिर डायरेक्टली पोर्शे, क्योंकि पोर्शे ऐसी कार भाई न्यू तो मैं ऑब्वियस बात है अभी मैं फुकरी नहीं मार सकता, मैं ले सकता हूँ, बट मर्सिडीज बीएम होगी जो उनकी रेंजेस हैं थोड़ी बहुत ही, मैं एग्जांपल तो क्या दूंगा, आप समझ गए 3 सीरीज, वो हम न्यू भी लेने की सोच सकते हैं। बोस के ना इसमें आपको स्पीकर भी मिल जाते हैं। बट यस, इधर मैं आपको पीछे से भी अब दिखाता हूँ क्या हिसाब किताब है, ये देख लो, प्रॉपर 4 सीटर कार है। इधर भी आपको एसी कंट्रोल्स वगैरह सब कुछ ही मिल जाता है, सनशेड्स वगैरह आप इधर से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो भाई बताओ भाई, डिलीवरी ले ले वरना देके इसकी ले ही लेते हैं यार, काम खत्म करते हैं। चलो भाई अब फाइनली टाइम आ चुका है जिस चीज के हमें बहुत टाइम से वेट थी। मनन रेडी है ना? बाद में वापसी नहीं दूंगा कार की। नहीं नहीं कोई नहीं, वापसी हमें चाहिए भी नहीं। क्या कबाड़ तो नहीं दे रहा तू मुझे? नहीं भाई कबाड़ नहीं। चल फिर दे यार, वो तो लाए नहीं तुम कपड़ा कुपड़ा। अरे ऐसी है, चलो कोई बात नहीं भाइयों, ले लेते हैं कार। ये सब मजाक था, वापस एक कार हमने इधर खड़ाती है भाई, असली ओनर को दे दो ये, थर्ड फोर्थ ओनर जो भी है इसका, अभी तो फिलहाल हम इसमें निकलते हैं यार। एंड अब मजाक मस्ती से बिल्कुल ही हटके, जिस कार में अभी बैठा हूँ ना, मुझे नहीं पता था वो आज ही मुझे दिख जाएगी, फील कर सकता हूँ मैं शूट भी नहीं कर रहा ज्यादा इसका, बस अपना फेस दिखा रहा हूँ, तो भी बुत्थे में मार रखा है। नेक्स्ट ईयर भाई पक्का 101% ये तो है, क्योंकि जिस रेंज में ये आती है, मतलब महंगी है ये ऑब्वियसली, इधर से आपको कुछ समझ आ रहा होगा, लूंगा तो भाई न्यू ही, मतलब की जो सोच रखा है पोर्शे भाई, सेकंड हैंड मेरा देखो बिल्कुल मन नहीं है, न्यू तो ऑब्वियसली आता है, खुद ही बता देता हूँ मैं कि रेंज से बाहर है, ऊपर देख लो। कमेंट सेक्शन में बताना भाई ये कौन सी कार है, ठीक है? वैसे अगले साल आप डिलीवरी वीडियो देख ही लोगे शोरूम से, होपफुली भगवान जी की कृपा रही पक्का। बट एनीवे बैक टू द रियलिटी, एंड भाई रियलिटी भी मुझे अच्छी लगती है, मुझे वरना से ना कोई दिक्कत नहीं है, सीरियसली मैं ये सोचता हूँ जब मैं न्यू कार लूंगा मैं इसे कैसे बेचूंगा, इससे इतनी अटैचमेंट है ना, इसने इतने पंगे कराए, इतने चलान कराए। बट बात तो वही है भाई, जिस हिसाब से मेरा टाइम चल रहा है ना आजकल, मुझे तो औखा लगता है कि अगले साल भाई कैसे लेंगे हम जो कार, मतलब ऑब्वियसली आता है इंडियन लाइट्स, आपको पता चल गया इट्स मर्सिडीज, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू में एक एक मॉडल में मैं कंफ्यूज हूँ। लेट्स सी भाई कौन सा आता है अगले साल, कौन सा नहीं। आज ना मैंने वो कार नहीं चलाई, पता है जो एक होता है ना कि पक्का ये तो है भाई ड्रीम कार वाला सीन, वो मैं कभी चलाता नहीं, ये मेरा पता नहीं क्या है क्या नहीं, क्या खुरक है, हमेशा यही होता है जब खुद की आ जाएगी ना तभी चलाऊंगा। भाई क्या लगती है यार न्यू वाली हैरियर, क्या ही रोड प्रेजेंस है। चलो भाई बैक टू होम, और एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो मेरा रूम होता था किसी टाइम पे, इसकी हालत देखो कितनी बेहाल हो रखी है, क्योंकि काम चल रहा है और ये टफी काम करने नहीं देता। बट ठीक है, आज की वीडियो को ना हम इधर ही एंड करते हैं, और मैं यही कहूंगा भाई अगर आपको सेकंड हैंड कार लेनी है, जैसे अभी 2023 चल रहा है, 2024 आ जाएगा, तो 2020 के बाद की ले लो, मतलब कि ज्यादा पुरानी मत लो, जैसे 2014 2015 हो गया ना वो ज्यादा पुरानी हो जाती है, क्यों टफी है ना, सही बात नहीं है। ये देख लो कैसे आ जाता है भाई, अब मैं देखो हाथ हटा दूंगा, ये देखो अब ये देखना, ये देखो ये है। बाकी तो ठीक है, मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।